हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं रख रही हूँ आटे जो कल रात में पिसा के आए थे। और आटा जो है ना, मैं सुबह ही रखती हूँ क्योंकि मतलब उस टाइम रखो आटा ना तो उड़ता है, उड़ने के बाद ना फर्श पे चिपक जाता है तो पैरों पर लगता है और बिना पोछा लगाए फिर जाता नहीं है। तो अभी सुबह मुझे झाड़ू पोछा करना है तो अभी यहाँ पर मैं आटे रख रही हूँ। और ये मतलब मार्केट का आटा था और नीचे जो है घर का आटा था, तो आटा ख़त्म हो गया था। आप लोग ब्लॉग देखा ही होगा, गेहूँ ख़त्म हो गया था। तो फिर उस दिन मैंने मतलब एक 5 kg वाला जो है एक पैकेट मंगाया था तो अभी बचा हुआ था, तो उसको मैंने ऊपर रख दिया है क्योंकि नीचे जाएगा ना तो वो मतलब ख़राब हो जाएगा। और अभी लंबे टाइम तक जो है अब ये आटा चलेगा मेरा, तो इसलिए उसको मैंने ऊपर रख दिया है। क्योंकि मार्केट वाला आटा होता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, कीड़े जैसे लगने लगते हैं ना उसमें, तो इसलिए तो उसको मैं ऊपर रख दी हूँ। और अभी जो है यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। तो हाँ, अभी मतलब सुबह का टाइम है और इस टाइम ना मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है, मतलब धूप निकल रही है और मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये दरी वगैरह भी धुल के अब डाल दूँ, मतलब गंदी काफ़ी हो रखी है। तो फिलहाल आज तो नहीं धुलूँगी, हाँ लेकिन कल जो है इसके लिए मैं टाइम निकाल के धुलना ही पड़ेगा। तो अभी बस झाड़ू लगा दे रही हूँ और बस पोछा लगाऊंगी। तो अब जो है यहाँ पे सोफे वगैरह पहले से ही कर लेते हैं। और आज जो है पूरा दिन जो है ना एक काम में ही निकल गया, अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पूरा दिन उसी में निकल गया। क्या किया मैंने आज, आप लोग मतलब कंटिन्यू बने रहिएगा तभी पता चलेगा कैसा क्या काम किया कि जो पूरा दिन उसी में निकल गया मेरा। तो अभी जो है यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर दे रही हूँ। और अभी मतलब कल है संडे और आज है सैटरडे, तो ये व्लॉग जाएगा यानी संडे को मॉर्निंग में। तो अभी जो है संडे को ये सारी चीज़ें जो है मैं धुलने वाली हूँ। अभी तो यहाँ पे बस नॉर्मल जो है झाड़ू पोछा करूँगी जो डेली मेरा रूटीन होता है। तो अभी बस झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे बाहर झाड़ू लगा लिया है, अब लगाऊंगी बस पोछा। और आप लोग देख सकते हो मतलब सुबह का टाइम कितना अच्छा लग रहा है ना, कि मतलब धूप जब निकलता है तो पूरा जो है सुबह के टाइम उजाला हो जाता है, पूरा सूरजदेव जो है रेड रेड हो जाते हैं। तो अभी जो धूप नहीं निकला है, बस हाँ निकलने वाला ही है, तो बहुत अच्छी धूप निकल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो काम भी करने में मन लगता है। उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो बिल्कुल जो है हाथ पैर काम नहीं करते थे, लेकिन हाँ फिर हो सकता है 2-3 दिन में फिर वैसे ही मौसम हो जाए, क्योंकि मतलब न्यूज़ में निकला है कि फिर ठंडक और बढ़ जाएगी। तो खिचड़ी से जो है ना मौसम थोड़ा अच्छा बन रहा है यहाँ पे। तो अभी झाड़ू पोछा हो गया है, बस यहाँ पे नहा धुल के। और यहाँ पे मैं दोपहर के टाइम जो है अभी आई हूँ किचन में, पूरा जो है नाश्ता वास्ता बनाने के बाद फिर दोपहर में यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज मटर की दाल, जो हरी मटर होती है ना उसी का मैं दाल बना रही हूँ, क्योंकि अब सीजन जो है जाने वाला है। तो हमने सोचा चलो मटर का दाल नहीं बनाए थे तो बस वही जा रही हूँ आज बनाने के लिए। और बस दाल और चावल बनाऊँगी क्योंकि मुझे हरी मटर का जो दाल होता है ना मतलब काफ़ी दिन हो गया, मतलब सीजन में ही खाने को मिलता है, तो बस वही मैं यहाँ पर दाल बना रही हूँ मटर का। तो यहाँ पर मैंने मटर को जो है ना पीस लिया था मिर्च और लहसुन और उसमें डाल के हल्का सा, और उसको मतलब दरदरा पीसा हमने, पीस के बस उसको यहाँ पे तड़का लगा दूँगी और उसके बाद जो है इसको एक सीटी लगा दूँगी, बस हमारा दाल जो है बनकर रेडी हो जाएगा मसाले वसाले डालकर। तो बस यहाँ पे जो है मैं तड़का लगा रही हूँ। तो अभी जो है नहा वहा के बस खाना वाना खाने के बाद जो है मतलब नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर ये दाल चावल बनाया, और उसके बाद जो है मुझे कुछ काम करना है तो फिर सारा दिन उसी में निकल गया मेरा। तो यहाँ पे बस हमने देख सकते हो आप मसाले वगैरह डाल दिए हैं और इसमें हरी मटर जो हमने पीसी थी वो डाल दूँगी, और यहाँ पे नमक उमक डाल के सीटी लगा दूँगी।
तो आप लोग एक बार ये वाली दाल जो है ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है ठंड में खाने में, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सिंपल जो है दाल और चावल मैं एक ही में मिक्स करके खाती हूँ, मतलब खाऊंगी आज। तो यहाँ पे मैं चावल निकाल रही हूँ और इसी में दाल निकालूंगी। तो बस ये रहा मेरा मतलब लंच, दोपहर का लंच। तो ये दाल बन गई है और अब खा लेते हैं। सुबह से लगे हैं मशीन बनाने, मशीन हो गई है खराब, अब मैं जा रही हूँ मशीन लेकर बनवाने के लिए। इतनी गंदी गंदी बात करते हैं केवल। चलिए ले चलिए, टाइम नहीं है। तो उठाओ। चलो भैया मशीन ले चलते हैं बनवाने के लिए, तब भारी है, इसको इसी से ले चलें। तो एक मैंने ये वाली ड्रेस बनाई है और एक ये वाली है जो अभी कंप्लीट नहीं है, इसको कल मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो गाइस बहुत मेहनत से बनाया है, मशीन बिगड़ गई थी तो टाइम लगा है थोड़ा सा, बस एक ही ड्रेस बना पाई हूँ। एक बन के रेडी हो चुका है और एक जो है कंप्लीट नहीं है, कल इसको करूँगी। तो चलो अभी इसको धुल के कल मैं पहनाऊँगी कान्हा जी को। तो गैस यहाँ पे लड्डू जी का कपड़ा भी बाकी है और मैं थक गई हूँ, बैठे बैठे कमर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी है। तो अभी बर्तन पड़े हुए हैं, किचन में चल रही हूँ, किचन को पहले थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अंधेरा भी होने वाला, शाम भी हो गई है, मैंने खाना खाया था और बस इसमें लग गए थे, तो अभी पूरा काम अभी बाकी है। चलो फटाफट निपटाते हैं। तो चलो गैस इस ब्लॉग यहीं कर देते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। आज पूरा दिन इसी में चला गया, मेरी कमर टूट गई है। वहाँ पे गए तो वहाँ पे बनवा कर लाए, फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, फिर यहाँ पे आए तो बनाए, फिर मशीन बहुत ज़्यादा फंस रही थी इसीलिए थोड़ा सा मतलब टाइम लग गया है। तो चलो गाइस मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ, आज का ब्लॉग बस कर देते हैं एंड, और मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच जो भी ब्लॉग को देख रहा है उसको दिल से थैंक यू सो मच।